गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बैक एक्सरसाइज ऑफ पोएम नंबर 1. ओके स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ए पार्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमने क्या करना है, करेक्ट जो ऑप्शन है, जो ठीक है, उसको हमने चुनना है, चूज करना है. ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या है नंबर 1 पे. द पोएट सेज एम हाई टू द स्काई. इट मींस पोएट जो कहता है, हमने पोएम रीड की थी, एम हाई टू द स्काई, इसका मीनिंग क्या है? जब मैंने आपको पोएम रीड कराई थी तो मैंने उसका मीनिंग आपको बताया था, तो अब आपने बताना है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है. टू फ्लाई इन एन एरोप्लेन इन द स्काई, इसका मीनिंग ये है कि आसमान में हमें एरोप्लेन में उड़ना है. सेकेंड है हमारा टू टच द स्काई विद आवर हैंड्स, अपने हमें अपने हाथों से आसमान को टच करना है. ये हमारा ऑप्शन है टू डू समथिंग टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, या फिर हमें अपनी योग्यता के अनुसार कुछ अच्छा करके दिखाना है. तो एम हाई टू द स्काई का मीनिंग क्या है, हमें अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ बेस्ट करना है. तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर सी. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड है हमारा द पॉइंट आस अस टू बी. पॉइंट हमें कैसा कहता है, हमें क्या कहता है, हमें पॉइंट ने हमें क्या बोला था इसमें, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. हमें टॉल बनना है और स्ट्रॉन्ग बनना है, नो, रिच एंड प्राउड. हमें अमीर और गर्वी, गर्व हमें जैसे कोई हमारे ऊपर प्राउड फील करे ऐसा बनना है, नो. पॉइंट ने कहा था स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, उन्होंने बोला था बी स्ट्रॉन्ग एंड बी ब्रेव, है ना बच्चों, बट एट द सेम टाइम बी काइंड. तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन. थर्ड है द पोएट सेज वी शुड ऑलवेज. पोएट क्या कहते हैं कि हमें हमेशा, एक लाइन आई थी आपको कुछ याद हो तो, एंड ऑलवेज बी श्योर दैट यू आर यूजिंग योर माइंड. तो हमारा क्या उन्होंने बताया था, हमें अपने माइंड का यूज़ करना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा यूज़ अवर माइंड, ऑप्शन नंबर बी है यूज़ अवर पावर, एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ यूज़ अवर मनी. तो हमारा करेक्ट आंसर है यूज़ अवर माइंड. तो बच्चों, आपको मैंने अभी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन तीनों एक्सप्लेन किए हैं. आपको अपनी बुक में इसी तरह से इनको टिक लगाना है और इनको आपने अच्छे से लर्न करना है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ.